अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आगा सदाम अब्बास रात को 1 बजे के दरमियान फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। ये आप दोस्तों टाइम देख सकते हैं, 1:09 हो चुके हैं। ठीक है, और ये भाई हैं, इनके जानवर को मसला ये है कि जानवर को सर्दी की शिकायत हो चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से जानवर लूज मोशन कर रहा है। कुछ इनके जो नीचे जो जगह थी जानवर के नीचे, वो हल्की सी मिट्टी थी, जानवर यूं करता रहा जिसकी वजह से जानवर को सर्दी फील हुई है। तो इसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दोस्तों, अगर मैं वीडियो भी ना ये बनाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, सिर्फ और मैंने खुदा की रजा के लिए ये वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये देखे गली में खड़े होकर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों ये है कि लोगों तक ही इलम पहुँचना चाहिए। अब बड़े दोस्तों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, जी आगा सदाम को पता नहीं कि काढ़ा होता क्या है। वाकई नहीं मुझे पता, लेकिन फिर भी मैं जानवरों को दे रहा हूँ। बाकी ये कि उस्तादियाँ शिगिर्दियाँ हर बंदे के पास होती हैं, लेकिन हम उस्ताद नहीं, हम खुद स्टूडेंट सीख रहे हैं। ठीक है भाई, आगे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या आपका? मोहम्मद आदिल भाई। आदिल भाई किस जगह पे मौजूद हैं? दुल्ले जिनार रोड, जिधर हमारा हेड ऑफिस है, उसके सामने लेकर 2 मिनट की मसाफ रहता है। आदिल भाई इसको क्या परेशानी बनी है, जरा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। इसे भाई 2 दिन से लोग मुझे लगे। ठीक है, आपने इसको क्या क्या चीज़ें दी हैं? इसे हमने खा ही नहीं रहा 2 दिन, कुछ भी नहीं खा। ठीक है, जानवर का स्टमिंग का प्रॉब्लम है, जानवर बिल्कुल पतला लूज मोशन कर रहा है। अभी रात का दोस्तों टाइम है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने इसके अंदर कावा बनाया जिसको काढ़ा भी बोलते हैं। ठीक जी दोस्तों, अब पता क्या चीज़ है, मैं काढ़ा मैंने बना के अल्हम्दुलिल्लाह जी दी है। ये हमारी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जी आगा सदाम एंटी डायरी है। ये स्पेशली हमने लूज मोशन, ठीक है, और जो जानवर पतले बिल्कुल पानी की तरह दोस्तों लूज मोशन करते हैं, हम वो भी ये भी इस्तेमाल करवा सकते थे। जो अगर कोई बंदा गरीब है या कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 500 रुपए की एक डब्बी है। ठीक है, अगर कोई बंदा 500 रुपया भी नहीं ना अफोर्ड कर सकता, तो फ्री सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हम फ्री उनके घर जाते हैं, और फ्री जाने के बाद उनको काढ़ा भी बकायदा बताया। आपने वीडियो में देखे आगे उसके इंशाल्लाह ताला जी मैं देने का तरीकाकार भी आपको बताता हूँ, किस तरीके से मैंने देना है, कितनी तादाद में देना है। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी तो दोस्तों उसका फीडबैक भी आप दोस्तों को यूट्यूब पे मैं चंद दिन तक दिखाऊंगा। मेरे लिए दोस्तों मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस बंदे पे अल्लाह की रहमत हो ना, तो वो बंदा आगे निकल जाता है। मुझे किसी की बातों से, किसी की गाली गलौज से, किसी की बदतमीजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इज्जत मेरे अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही देने वाला, मेरा मान है, मेरा यकीन है और मेरा तकवा है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा एक बाल तक नहीं भांगा कर सकता। जब अल्लाह ने मुझे रुसवा करना है तो मुझे कोई भी कुल कायनात भी मुझे बचा नहीं सकती। ये अल्लाह ताला के कमाल है, मेरा ये यकीन है। प्रोडक्ट ये बेचनी हो ना दोस्तों तो 1 सेकंड लगता है। ठीक है, ये 500 रुपए की डब्बी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात ने इसको इज्जत से नवाजा। क्यों? इसमें जान है। अगर कोई बंदा 500 रुपया भी नहीं हमारी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा सकता, तो मेरा मकसद ये है कि मैं शो को आगे लेके चलूं। चले दोस्तों, अब वीडियो में दिखाता हूँ, इंशाल्लाह ताला जी आपको काढ़ा देने का तरीका भी बताऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आगे इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे सर्दियां आएंगी, अभी तो मैंने पंजीरियां बनानी है जिसको भांडा बोलते हैं, अभी तो वो भी मैंने अपने बना के बकरों को देना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की अगर रहमत हुई, ठीक है, अल्लाह के फजल और रहमत से सारे दोस्तों काम होते हैं, अगर रहमत हुई तो आपको दिखाऊंगा वो भांडे क्या काम करते हैं। ठीक है, और दिखाएंगे कि जिस जानवर को हमने सर्दी में खुराक दी है वो गर्मियों में क्या फीडबैक हमें देते हैं। और बाकायदा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर जिंदगी रखी, ईद के नजदीकी जाके अपने फार्म का दरवाजा खोलेंगे, पाकिस्तान के हर बंदे को जनाबे अल्लाह हम लोकेशन भी देंगे, हमारे पास आए ईद के नजदीक, हमारे कुर्बानी के आकर शौक देखे जो आगा सदाम अंडे पर जानवर पले हुए हैं, उनकी खिदमत भी करेंगे, राइश भी उनको मिलेगी, खाना भी खाएंगे, अगर वो रात भी ठहरना चाहता तो रात भी ठहरे। चले दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जानवर के मैदे के लिए, जानवर का जो लूज मोशन कर रहा है ये सुबह तक बेहतर हो जाए, इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी लिया है। अब गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नुस्खे वो होते हैं दोस्तों जो किसी को बताते ही नहीं हैं लोग। मैं कोशिश ये करता हूँ बताने की, ताकि हर बंदे के पास पहुँच सके। ये आप कापी पेंसिल पे नोट लेके लिख लीजिएगा, मर गए तो फिर नहीं कुछ कहा जा सकता, जब तक जिंदा तब तक आप ये लिख लें नुस्खे। 1 लीटर पानी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम आपने पत्ती डाल लेनी है, पत्ती डालने के बाद 25 ग्राम आपने सौंफ डाल लेनी है, और 25 ही ग्राम आपने मोटी इलायची डाल लेनी है, और थोड़ी सी हसबे मामूल जायके के लिए गुड़ डाल लेना है। ठीक है, अजवाइन डाल लेनी है। अजवाइन जब ये डाल लेंगे, ये 4 चीज़ें डाल के, फिर उसके बाद जब ये 0.5 लीटर रह जाए, 2 सेप्ट्रन DS की गोलियां एंटीबायोटिक और 1 अमोडियम का कैप्सूल इसके मैदे के लिए।
बाकी ये हमने कावा बना ली है, पूरी डिटेल मैंने वीडियो में बता दी है क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। मोटी इलायची के साथ इसकी सर्दी उतर जाएगी, पत्ती है जो इसके लूज मोशन को कंट्रोल करेगी, एंटीबायोटिक इसके बॉडी के अंदर कोई भी परेशानी वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। अमोडियम पेट के जो दर्द है या कोई भी इसके अंदर जो मरोड़ वगैरह पड़ते हैं वो क्लियर कर देगा। और ये नीम गर्म जाने का मकसद ये कि इसको अंदर टकोर हो जाएगी। अब हम इसको कतरा कतरा करके पिला देते हैं, रात के तकरीबन 1:15 का टाइम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन द स्पॉट पहुँचते हुए लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। चलिए जी अब इसको देते हैं, ये आपको दिखा देते हैं, इसका मुँह इस तरीके से पकड़ में छोड़ दें आप छोड़ दें, बस जानवर को एक तरह पकड़ें, ज़रा इधर आ जाए, बस आराम से। तो ये देख लें दोस्तों, जानवर का बिल्कुल मुंह ठंडा है, इसको हमने कतरा कतरा करके ये देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल हम इसको कतरा कतरा करके दोस्तों देते जाएंगे ताकि ये जानवर को उथू वगैरह भी ना लगे। और अल्लाह के घर में ईद है, एक दफ़ा अब देना है, एक दफ़ा हम कल सुबह देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी तो ये मोटरवे पे चढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ का दोस्तों इलाज इंजेक्शन नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हिकमत के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी कि मैं YouTube पे वीडियो लगा चुका मेडिसिन की, हो सकता है कि किसी इंसान का इतना वज़न भी ना हो जितनी मेडिसिन मैंने बता दी है, तो सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए मैंने बताई है। और ऑन द स्पॉट हमने करके दिखाया, उसका रिज़ल्ट भी दिखाया। देखिए ये जी, वैसे तो कोक हम पसंद नहीं करते क्योंकि ये यहूदियों की कंपनी है जो फलस्तीन में ने लोगों को हाल के, लेकिन मजबूरी थी इसमें पिलाना। तो आप दोस्तों को ये हमने इसको पिला दिया है, अब हम इसको कोशिश ये करेंगे कि हम कोई हीट वाली जगह या खुश्क इसके नीचे जगह हो, ठीक है, उसके ऊपर ये बांधें ताकि ये रात को इसकी हीट, अब ये इसकी सांसें देखें बिल्कुल ये ठंडी है, हाथ लगा या शहजादी के दे, ठंडी है गर्म ठंडी है इंशाल्लाह ताला। अब हमने ये एक रेगुलर बोतल दे दी है, इंशाल्लाह कि कल भी सुबह देंगे, परसों भी 2-3 दिन देंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आगा सदाम अब्बास, और इस भाई के लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात भाई का शौक कायम रखे, किसी का कोई भी जानवर बीमार ना हो, अगर होता है तो ये आप काढ़ा बना के दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगा सदाम अब्बास और आगा बरादर की स्पेशली दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।